अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने मुझे बताना है वो कौन से मुल्क और किस शहर की है, ठीक है? ये ले सर, ये ले। ये शायद ऑस्ट्रेलिया, शायद नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। बांग्लादेश? नहीं, बांग्लादेश भी नहीं है। बाहर की कंट्री लग रही है कोई? बाहर की भी कंट्री हो सकती है। बांग्लादेश ही लग रहा है ये। क्या बात है, कहाँ की है ये? मे बी वो फॉरेन कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड ही है शायद, मे बी। नहीं सर, स्विट्ज़रलैंड नहीं है। फिर या कोई आ गया कंट्री आउट ऑफ साइड, इंग्लैंड वगैरह हो गया? नहीं सर। आइसलैंड वगैरह कोई? नो सर। तो आपको हिंट दें थोड़ा सा। सर मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ कि यार आप वीडियो में से देख के मुझे थोड़ा सा बता देंगे आपको कौन सी जगह लग रही है। मुझे तो फॉरेन कंट्री लग रही है ज़्यादातर, यही मैं लग रहा फॉरेन है। कोई ये हो गया न्यूजीलैंड वगैरह से, आप समझ लें बाहर की कंट्री है। इतनी खूबसूरत बनी हुई है ये। कितनी खूबसूरत है आपको देख के, कितनी खूबसूरत लग रही है ये? पीसफुल है ये बहुत ज़्यादा। इधर फ्रेश होता है ऐसा वैसा इधर हो जाए माइंड फ्रेश, मैं कह दूँ क्या बात है, क्या बात है यार, ये जेन्युइन बाहर की कंट्री है कोई? एशिया की नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़। यूरोपियन? नहीं, यूरोपियन कह सकते हैं आप इसको। क्या फील आ रही है वीडियो देख के? माइंड फ्रेश हो रहा है, इस तरह का बंदा अगर लाइव हो तो क्या माइंड फ्रेश होगा। यानी आप जाना चाहेंगे यहाँ पे? ज़रूर, इस तरह की जगह मिले तो कौन नहीं जाना पसंद करेगा। थाईलैंड? नहीं सर। थाईलैंड? श्रीलंका? नहीं सर। आप ही बता दें यार, दो गैस कर दिए मैंने। सर आप और गैस करें ना। अफ्रीका? नहीं सर। इंडिया? सर इंडिया नहीं हो सकता। इंडिया नहीं हो सकता यार, इनके पहनावे से तो लग रहा है ये इंडिया से है, ये इंडिया से है, ये कोई तमिलनाडु टाइप। वो तो बांग्लादेश भी ऐसे पहनावा पहनते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश में नहीं है, इंडिया में ही है। सर अगर मैं कहूँ साउथ वाली साइड पर है कहीं। कहाँ पर? साउथ में, इंडियन इंडियन साउथ में। सर अगर मैं कहूँ ये पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में नहीं है। कराची में भी यार ऐसे लोग हैं? कराची में ऐसी जगह नहीं हो सकती। इस्लामाबाद? नहीं, हमारा नहीं है ये। हमारा नहीं है? हमारा नहीं है। कश्मीर? कश्मीर में भी नहीं है। सवात? सवात में भी नहीं है। कलाम? वहाँ पे भी नहीं है। मड़ी? नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं है, ये इंडिया या बांग्लादेश वाली साइड से है। चले आप दोनों में से एक बताए ना कोई, या बांग्लादेश या इंडिया। इंडिया? इंडिया। इंडिया का कौन सा शहर? इंडिया का शहर का नाम तो उस तरह से नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन ये है इंडिया से ही है। फिर भी कौन सा मुल्क लग रहा है आपको ये बेल्जियम का? इतनी दूर का लग रहा है, कोई बाहर की सिटी है, इतनी साफ सुथरी है जितनी है। ये देखिए ना जैसे वेदर वगैरह इसका, न्यूजीलैंड वगैरह ही है। न्यूजीलैंड वगैरह? आयरलैंड वगैरह समझ लें इसको। सर वो भी नहीं है। तो फिर ये कौन सी है ये देखिए। सर मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के ना इर्द गिर्द मुल्क ही है। इराक वगैरह? नहीं सर। ईरान? नहीं सर। बांग्लादेश? नहीं सर। फिर यार पाकिस्तान भी हो सकता है, पाकिस्तान के बीच, इस्लामाबाद के बीच। इतनी साफ, इतना साफ नहीं मैं मानता। इस्लामाबाद है माना ठीक है, पर जितनी ये है ना, मैं तो कहता हूँ इधर बंदा जाए जन्म फ्रेश हो गया। कराची? नहीं, कराची में भी तो समुंदर है ना। है, पर इतना साफ नहीं ना उसका, आपको पता है सी रोड पे कितना उसका सारा गंद है। हरियाली भी तो सर उधर है ना, इतनी तो नहीं ना। अच्छा सर अगर मैं आपको कहूँ ये इंडिया। इंडिया ये क्या हो गया भाई, इंडिया ऐसा हो ही ना जे। क्यों, कैसे नहीं यार, इतना साफ इंडिया हो ही ना जे। इतना गंद सुना है, इधर देखे हैं न्यूज़ वगैरह देखो तो इतना गंद है। उधर की साइड पे ही है ऐसे जंगल। बांग्लादेश क्यों लग रहा है आपको? वहीं पे है ऐसे बांग्लादेश। आप गए हो बांग्लादेश? नहीं। अच्छा वीडियो देखे आपको क्या लग रहा है, क्या फील आ रही है आपको? खूबसूरती वगैरह के लिए है, काफ़ी अच्छी नेचर बनी हुई है यहाँ की, नेचर वगैरह बहुत अच्छी है यहाँ पर, और दरख्त वगैरह पौधे, काफ़ी अच्छा व्यू है। ग्रीनरी? ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ग्रीनिश, और दरिया वगैरह, समुंदर, काफ़ी अच्छी जगह है। सर पाकिस्तान में ऐसी जगह हो सकती है? नहीं पाकिस्तान में नहीं है ऐसी। पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा प्यारी जगह ना है? बहुत प्यारी जगह है, कश्मीर वाली साइड पे और उधर साइड पे
लेकिन ये तो आप थोड़ा पहुंच गए हो वैसे कश्मीर वाली साइड पे। ये शायद हमारा पाकिस्तान कराची तो नहीं? नहीं कराची में तो नहीं है ये। इस्लामाबाद? नहीं इस्लामाबाद में नहीं है। नहीं है? नहीं या स्वात? स्वात में भी नहीं है, इधर पहाड़ है ही नहीं, ये सारी जमीन वाली साइड है। ये शायद अदर कंट्री का ही है। अदर कंट्री कौन सी आपको लग रही है वैसे वीडियो में, आपको क्या लग रहा? ये कोई हमारे, चले सर मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि ये पाकिस्तान के ना इर्द गिर्द वाला ममालिक मुल्क है कोई। इंडिया वाली साइड? इंडिया के साइड हमारे इर्द गिर्द वही लगता है इंडिया। बांग्लादेश भी लगता है, ईरान भी लगता है, इराक भी लगता है। आपने इंडिया क्यों कहा? लोगों का प्रिंट वगैरह भी है वहाँ के, लोग भी वैसे इन्होंने साड़ियाँ वगैरह पहनी हुई हैं ऊपर से, ये शायद हिंदू टाइप भी लग रहे हैं। अच्छा सर अगर मैं आपको कहूँ ये इंडिया ही है? इंडिया ही है। इंडिया ही है? इंडिया ही है। इंडिया ही है ये? इंडिया ही है। हाँ जी। तो क्या फील आई है आपको तो इंडिया, जब आपको पता चला कि इंडिया का एक सिटी है वहाँ पर भी ऐसा व्यू हो सकता है? हैरानी हो रही है मुझे। हैरान हो गए? हाँ जी। तो पाकिस्तान में ऐसा ऐसे हैं सिटीज़ हैं? नहीं पाकिस्तान में नहीं है ऐसी सिटी, मगर उधर स्वाद वाली साइड पे है, पहाड़ वाली साइड पे काफ़ी अच्छा व्यू वगैरह। ये ज़्यादा प्यारी है? ये भी ज़्यादा प्यारी है सर। ये केरला सिटी है इंडिया की, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी है। हाँ आप जाना पसंद करेंगे? हुआ तो ज़रूर जाएंगे। कैसे? व्यू के लिए, विज़िट के लिए, वैसी नेचर वगैरह देखने के लिए। आपको कैसे पता लगा कि इंडिया? यार ये जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना लोग, उनके पहनावे से, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें पहनी हुई है ना, और ये जो इन्वायरमेंट है। अच्छा सर आपको वीडियो देख के क्या फील आई है? यार खूबसूरती है, खूबसूरत है जगह। कितनी खूबसूरत है? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है सर। पाकिस्तान में ऐसी जगह होनी चाहिए? पाकिस्तान में भी होंगी, हमने सारी जगह तो देखी नहीं है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी ये जिन जगहों के आपने नाम लिए ना, सवाद कलाम और वो कश्मीर वाली साइड। लेकिन यहाँ वहाँ पे तो ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह तो नहीं है? नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन उनकी अलग ही खूबसूरती है, ऐसी नहीं है, लेकिन इनसे हटके है वो पहाड़ी इलाका, और इसके अलावा चश्मे वगैरह भी हैं, तो वो उनकी उनकी खूबसूरती अलग है, ये अलग खूबसूरती है। अच्छा आपको ये वीडियो देख के क्या फील आई है? यार मुझे तो मेरा तो माइंड फ्रेश हुआ है ये वीडियो देख के, बड़ी अच्छी वीडियो है ये। सर अगर आपको जहाँ यहाँ पर जाने का मौका मिले, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, आप जाएंगे? जी जी जाऊँगा। सर आप अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर जाएंगे? जी जी मैं ज़रूर जाऊँगा, अगर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स में ये खुल जाएँ और इतने बैरियर्स ना हो हमारे मुल्कों के दरमियान में, तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा ये जो है वीडियो, ये वीडियो देख के, ये मनाजिर अपनी आँखों से देखने के लिए। ये बहुत ही हैरान कन मनाजिर है यार, बड़ी ज़बरदस्त जगह। आप सर ये इसे इंडिया ही है? मैं नहीं मानता इस चीज़ को। सर इंडिया ही है, इंडिया का एक सिटी है। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? प्रूफ देना फिर मैं मानूंगा इंडिया है। सर ये इंडिया का केरला सिटी है? नहीं मैं इस चीज़ को नहीं कभी मानता, नहीं हो ही नहीं सकता। सर ये इंडिया ही है? फिर है तो अगर जो ये है तो फिर इतना साफ इंडिया कैसे हो गया? अरे सर अगर आपको यहाँ पे जाने का मौका मिले, मैं तो ज़रूर जाऊँ, कौन नहीं जाना पसंद करेगा जितनी साफ जगह है वो। ये पाकिस्तान में ऐसी जगह है? नहीं पाकिस्तान में है होंगी, ये तो कश्मीर वाली साइड पर ही है जो इंडिया के पास ही है। इंडिया तो बहुत समझ लें इस टाइम वो अरूजों पर आगे पास, उनके पास इस तरह की चीज़ें हैं, खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। ठीक हो गया सर, कोई मैसेज देना चाहें? यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जगहों पर जाना चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी साफ सफाई होनी चाहिए, जितना बंदा जाके अपना माइंड सेट कर ले उधर जाके, जब बंदा तंग होता है छोटी मोटी चीज़ों से, इस तरह की जगह पर जाके बंदा माइंड फ्रेश होता है।